ये जो है पार्ट हमने चौथा हिस्सा नीचे की तरफ कर देना है, और ऊपर कितना कितने के ऊपर निशान लगेगा, जैसे तीरा है इसका 18 इंच, तो 18 का जो हमारा आधा है वो हो गया 9, और 9 का आधा हो गया हमारा 4.5, तो ये निशान हमारा 4.5 इंच के ऊपर इस तरह से लग जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया हो सब? उम्मीद यही करता हूं आप सब बढ़िया रहो, खुश रहो, आबाद रहो और लोगों की मदद जरूर करते रहो। एनीवे, आज के इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट कुर्ता की कटिंग करने जा रहा हूं। ये बेसिकली डेनिम के साथ यानी कि जीन्स के साथ पहनना कुछ लोग पसंद करते हैं। ये सेमी फॉर्मल टाइप हो जाता है, ये आप ओकेजनली पहन सकते हैं इस टाइप का शॉर्ट कुर्ता। और इसका जो साइज है, सबसे पहले मैं आपको उससे रूबरू करा देता हूं। साइज है इसका, लंबाई है इसका 27.5 इंच, छाती है इसका 43 इंच, कमर है इसका 39 इंच, और पेट से, राउंड पेट से इसका साइज है 40.5 इंच, और हिप से इसका साइड है 42 इंच, तीरा है 18, गला है 16.5, और बाजू की लंबाई है 24.25 इंच। आगे कफ आएंगे, और ये बैंड वाला है यानी कि ऊपर बैंड कॉलर आएगा। तो ये शॉर्ट कुर्ता, इसका जो कपड़े का सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा साइड बाहर की तरफ, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड होगा। और यहां पर मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस कपड़े को फोल्ड कितना करना है। सबसे पहले ये कपड़ा जो है ये 60 इंचेस विड्थ का फैब्रिक है, तो इसको फोल्ड करना है जितना हमारा साइज में सबसे ज्यादा पार्ट है। जैसे इसका छाती है 43 और यही इसका साइज जो है ये सबसे ज्यादा है, बाकी तो पेट से भी 40.5 है, हिप भी 42 है, तो 43 के हिसाब से चौथा कर लेना है उसका, 43 का चौथा हिस्सा, और प्लस लूजिंग जो आपने डालनी है उसके हिसाब से आप इसको फोल्ड कर लेना। और सबसे पहले टेबल की लेयर पर कपड़े को एकदम सीधा बिछाना है, और यहां पर अपने एल स्केल को 90 डिग्री के ऊपर सबसे पहले इस तरह से प्लेस कर देना है यहां पर, और ऊपर की तरफ एक 90 डिग्री का लाइन सबसे पहले लगाना है ताकि ऊपर से भी कपड़े का जो लेयर है वो सीधा हो जाए। इसका लंबाई है 27.5 इंच, तो ऊपर वाली लाइन से इस लाइन से 27.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक मार्क जो है ये लग जाएगा इसकी लंबाई का। अब यहां पर आ जाता है इसका जो चेस्ट का निशान है, जैसे 43 है, 43 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 10.25, तो 10.25 में से आधा इंच हमने कम कर देना है यानी कि 10.25 इंच के ऊपर इसका निशान बैठेगा, क्योंकि इसको ये फिटिंग में चाहिए, ये बेसिकली ज्यादा फिटिंग में भी नहीं चाहिए और ना ही इसको लूज, मतलब मीडियम फिट है और थोड़ा फिटिंग का मजा भी आ जाए, मीडियम सा है। एनीवे, ये यहाँ पे 90 डिग्री का लाइन लगाने के बाद घेरे पर आपका जो लाइन है वो 90 डिग्री पर नहीं लगता है, वो इस तरह से हल्का सा एल स्केल को आपने इस पोजीशन में ऊपर की तरफ कर देना है, और यहाँ पर इस तरह से ये लाइन ऊपर की तरफ तिरछा जाएगा और नीचे डाउनवर्ड जो है ये अप्रोक्सीमेटली 1.25 इंच जो है फैब्रिक यहाँ पर छोड़ देना है, नीचे जो घेरे पर कपड़ा जो है वो फोल्ड होगा। अब हमारा यहाँ पर सबसे पहले जो नेक है उसका निशान लगेगा, नेक का निशान लगेगा ये गले का हल्ला जो है ये 3 इंच के ऊपर। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूं साइज के हिसाब से ये बैठ रहा है हमारा 3.5 इंच, मैं आधा इंच कम रख रहा हूं क्योंकि कटिंग के टाइम पे गले का हल्ला हमेशा कम रखना है, क्योंकि जब बैंड के साथ इसको ज्वाइन करेंगे ना तो ये कहीं बड़ा ना हो जाए, छोटा पड़ जाए तो उस समय आप कटिंग करके बैंड के बराबर कर सकते हैं। अब यहां पर डाउनवर्ड नीचे जो होगा निशान ये होगा हमारा 2.5 इंच के ऊपर। इसके बाद हमारा शोल्डर का निशान लगेगा, शोल्डर है जैसे 18 इंच, तो 18 का हो गया आधा 9 और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि 9.5 इंच के ऊपर हमारा इस तरह से ये मार्क जो है ये लग जाएगा। अब यहां से ये डाउन कितना होगा, तो यहां से ये डाउन होगा हमारा 2.25 इंच। ठीक है, ये मेरे एक भाई बंधु ने पूछा था कि ये किसी में आप 1.25 रखते हैं, किसी में 2 रखते हैं, किसी में 2.25 रखते हैं, तो ये एज पर जो क्लाइंट होता है ना तो उसके शोल्डर लेवल के हिसाब से ये वाला जो है निकलता है, अदरवाइज आप फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो भी यही बैठेगा। क्लियर। अब हमारा यहां पर
43 जो इसका चेस्ट है उसका निशान लगेगा हमारा 11.5 इंच के ऊपर, ये रहा 11.5 इंच के ऊपर, और यहां से हमने केवल और केवल 2.25 इंच आगे बढ़ाना है, ठीक है। इससे ज्यादा लूज मत कर देना, नहीं तो लूज फिट हो जाएगा, ये मीडियम फिट वालों के लिए है। और यहां से 6 इंच नीचे इस तरह से एक निशान लगेगा, और यहां पर हमारा जो पॉइंट आएगा ये आएगा हमारा 39 इंच है, तो ये आ जाएगा हमारा 10.5 इंच, ठीक है। ये 10.5 इंच के ऊपर निशान लग के यहां पर केवल और केवल 1.5 इंच हमें बढ़ाना है मीडियम फिट के लिए, अगर लूज फिट हो तो 2.25 और यहां पर 2, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से निशान आ जाएगा। अब पेट से इसका साइज है 40.5 इंच, तो 40.5 इंच का जो चौथा हिस्सा है वो हो जाएगा हमारा 10 इंच और 1 सूत, यहां पर 10 इंच और 1 सूत, और यहां पे भी हमें 1.5 इंच और 1 सूत के ऊपर निशान लगाना है, क्लियर। अब जितना हमारा यहां से यहां तक आया है, ठीक है, क्योंकि घेरा नीचे डाउनवर्ड जाएगा, तो यहां से भी हमें उतना ही इस तरह से पॉइंट जो है ये मार्क कर देना है। इसके बाद हमारा ये जो पोजीशन होता है इसकी जो ज्वाइनिंग होती है ये होता है हमारा इस तरह से, ये जो आपका शेप पट्टी होता है जो पेंट में हमें जो शेप बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से हमने शेप पट्टी के साथ अगर आप इसको साइड से शेप देंगे तो फिटिंग जो है वो थोड़ा बेटर आता है, ठीक है। अब हमारा यहां से इसको इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला दिया जाएगा, और यहां पर ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो शेप पट्टी को घुमा के आपने इसको इसके साथ मिलाना है, और फिर आपने डाउनवर्ड इस तरह से चले जाना है, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये जो आर्म होल का लाइन है और चेस्ट का ये जो पॉइंट मैंने लगाया था, यहां पर आपने इस तरह से ज्वाइन कर देना है, और ये पॉइंट जो है हमारा अपर आर्म होल का इसको शोल्डर पॉइंट के एकदम टॉप पोजिशन पे इस तरह से मिला देना है। अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा लाइन है, इस टोटल लाइन को आपने चेक करना है ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 8 इंच और 1 सूत, यानी कि 4 इंच से हल्का सा ज्यादा, और ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया यहां से यहां तक का। अब यहां से हमने इस तरफ बढ़ना है केवल और केवल 0.5 इंच, ठीक है, यहां से 0.5 इंच हमने अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, और यहां पर आपने इस तरह से ये जो एल स्केल है इसकी हेल्प के साथ अगर आप बाजू का ये जो गोलाई है इसको अगर ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छे और बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये जो आर्म होल का गोलाई होता है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसके साथ अगर गड़बड़ हो जाए तो फ्रंट पे या बैक पे जो है बाजू के आसपास झोल दिखना शुरू हो जाता है, तो आपने हमेशा फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल ही करना है। मैं इसी तरह से ये टेलरिंग मटेरियल वाली शॉप से मिल जाएगा आपको, ये इस तरह से आपने ज्वाइन कर देना है, और ये आपका जो गले का हल्ला है उसको भी आपने इस तरह से अपने फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ गोलाई जो है इस तरह से बना देना है। अब ये जो हमारा पोजीशन है ये कंप्लीट हो चुका है, और यहां से अप्रोक्सीमेटली आपने ये जो नीचे वाला आपका पॉइंट है यहां से आपने अप्रोक्सीमेटली ये लेके चलो कि 3.5 इंच के ऊपर आपने इस तरह से एक निशान लगाना है, ये यहाँ पे छोटा सा एक चाक बन जाता है, ठीक है, स्लिट जिसको बोलते हैं ये वो बन जाएगा। अब यहां पर मैं केवल और केवल इसका कटिंग करूंगा, और जिन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय लिख सकते हैं, और जो भी आपका डाउट है वो भी लिख सकते हैं, और बेल को दबाना मत भूलना। और पहले मैं इसका कटिंग कर लेता हूं, फिर बैक का किस तरह से कटिंग होगा वो भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बैक का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को प्लेस कर दिया है, और यहां पर आपको कुछ चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है कि ये जो आपका ऊपर से फोल्ड है कपड़े का, ये यहां से ऊपर से आपने चेक करना है कितना आ रहा है, तो जितना ऊपर से आ रहा है उतना ही आपने नीचे की तरफ भी जो है उतना ही आना चाहिए, तभी कपड़े की लेयर जो है वो सीधा आएगा और पहनने के बाद इसका फॉल जो है वो अच्छा आएगा। अब हमारा ये जो फैब्रिक है ये बिछ चुका है, यहां पर जो है ये जो फ्रंट मैंने अभी कटिंग किया है इसका प्लेसमेंट करेंगे, उसके बाद बैक को आप बहुत ध्यान से और बारीकी से देखना। मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा डाउट है कि सर बैक को कितना ऊपर उठाना है
और किस तरह से उठाना है। तो ये जो डाउट है ये मैं आपका इसी तरीके से खत्म करूंगा। ये जो आपका फ्रंट का ये जो लेयर है इस ये वाला और बैक का ये जो फोल्ड है, ये दोनों अपर इस तरह से आपस में मिल जाने चाहिए। आपने इस पोजीशन के ऊपर आपने इस तरह से इनको बिठा देना है। उसके बाद आपका जो चेस्ट का ये जो पॉइंट है हमारा, इसको आप देख लीजिए ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 10.25 इंच, यानी कि 2.5 इंच से हल्का सा ज्यादा, चौथा हिस्सा हो गया उसका, ठीक है, 10.25 का फोर्थ पार्ट हो गया हमारा, यानी कि चौथा हिस्सा हो गया 2.5 इंच से हल्का सा ज्यादा। तो यहां पर आपने ये जो अपर पोर्शन है, यहां पर आप फिंगर पे देख सकते हो, यहां से 2.5 इंच से हल्का सा ज्यादा इस तरह से हमने ये जो है पार्ट, हमने चौथा हिस्सा नीचे की तरफ कर देना है। और ऊपर कितना, कितने के ऊपर निशान लगेगा, जैसे तीरा है इसका 18 इंच, तो 18 का जो हमारा आधा है वो हो गया 9, और 9 का आधा हो गया हमारा 4.5, तो ये निशान हमारा 4.5 इंच के ऊपर इस तरह से लग जाएगा। इससे ज्यादा नहीं लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कम लगाएंगे तो जो कुर्ता है वो इस तरह से ऐसे पीछे की तरफ भागेगा, ठीक है, आगे से उठ जाएगा जब पहनेगा, तो फॉल उसका प्रॉपर अच्छे से नहीं बैठेगा। तो यहां से भी हमने जो फ्रंट का जो हल्ला रखा था 3 इंच के ऊपर रखा था, यहां पर भी हमने 3 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा देना है। और यहां पर ये जो ऊपर वाला ये जो पॉइंट है, यहां हमने इस तरह से एल स्केल को रखते हुए किनारे पर इस तरह से एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये लगा देना है सबसे पहले। उसके बाद हमारा ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये यहां से आया कितना है ये हमें जरूर चेक करना है। यहां से यहां तक ये 2 इंच के ऊपर आ रहा है, तो यहां पर भी हमने इस तरह से 2 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान जो है ये लगा देना है। उसके बाद हमारा तीरा 18 का आधा 9 आधा में आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि 9.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान जो है हमारा लग जाएगा। अब यहां पर ये जितना हमारा फ्रंट का ये जो शोल्डर है, इसको आपने चेक करना है कि ये कितना आ रहा है। तो जितना ये फ्रंट का आ रहा है, उतना ही हमारा यहां से बैक का भी जो है वो आना जरूरी है। क्लियर। अब यहां पर हमने इस तरह से अपना जो स्केल है उसकी हेल्प के साथ आपने इस तरह से लाइन जो है ये लगा देना है, ये देखिए। क्लियर। अब ये चेस्ट के पॉइंट से इस पॉइंट को हमने इस तरह से मिला देना है। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा स्टेप, नेक्स्ट है हमारा ये जो गले का हल्ला है, नेक से नीचे की तरफ कितना जाएगा, तो ये हमारा जो है ये बैठेगा हमारा 1.25 इंच के ऊपर। क्लियर। इसको हमने अगेन ये जो आपका हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है, इसकी हेल्प के साथ आप इस तरह से गोलाई जो है गले के हल्ले की बना दीजिए। और यहां पर भी आपने इस फ्रेंच कर्व को रखते हुए चेस्ट के इस पॉइंट से और ये जो शोल्डर का टॉप पॉइंट जो हमारा बना है बैक का, उसके ऊपर आपने मिला देना है। और यहां पर इस तरह से आपने फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ गोलाई जो है बना देना है। क्लियर। इसी पॉइंट के ऊपर हमारा कटिंग होगा। अगर इधर उधर कटिंग करेंगे तो मेरे भाई फिर दिक्कत में आ जाएंगे, है ना। तो ज्यादा बेटर है आप फॉर्मूलों को हिसाब से चलें, और फॉर्मूलों के हिसाब से उनको अप्लाई कैसे करना है, उन सारी चीजों का अगर आप अपनी कटिंग के अंदर ध्यान देते हैं तो आपको रिजल्ट भी जो है मेरे भाई वो अच्छे ही मिलते हैं। क्लियर। अब हमारा यहां पर इसको मैं केवल कटिंग करूंगा, उसके बाद बाजू का किस तरह से कटिंग करेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और कृपया करके जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलना। तो माय डियर, ये मैंने बाजू का कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लिया है। अब यहां पर हमने पूरा बाजू इसका निकालना है और आगे कफ आएंगे, ठीक है, जैसे शर्ट में कफ आते हैं ठीक उसी तरह से कफ आएंगे। इस तरह से वो कफ को फोल्ड भी कर सकता है, अंदर की तरफ एक लूप होता है वो यहाँ पे इस तरह से ऐसे बटन लग के उसको होल्ड कर लेता है, तो वो उस तरह से भी इसको पहना जा सकता है। अब हमारा ये जो बाजू है ठीक उसी तरह से कटेगा। इस बाजू को ये जो डबल फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से बिछाना है। क्लियर। ये जो ऊपर का पार्ट है ये ज्यादा होना चाहिए और नीचे का पार्ट हमारा कम होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बाजू होता है उसका कटिंग हमेशा और हमेशा ऑन बायर्स ही कटिंग करते हैं। उससे क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रेचेबिलिटी जो है फैब्रिक में बन जाता है। जिस तरह हम
किसी चीज को पाइपिंग लगाते हैं और पाइपिंग लगाने के टाइम पे हम कपड़ा हमेशा रेव लेते हैं, ठीक है, ऑन बायस लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्ट्रेचेबिलिटी आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा लचक आ जाता है। ठीक उसी तरह से बाजू भी हमारा ऑन बायस कटिंग होता है। ये ऊपर से कितना होना चाहिए, जितना हमारा छाती है उसका चौथा हिस्सा आपने इस तरह से मेजर करके यहाँ पे बिठा देना है। अगर आपका ये जो बाजू है ये किनारा पट्टी को छोड़कर, अगर कोई स्टैंप है उसको छोड़कर हमारा, हमें जो हिस्सा चाहिए वो चाहिए हमारा यहाँ पर 11.5 इंच, यानी कि जितना हमारा छाती है उसका चौथा हिस्सा, और नीचे से अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलें हमें कम से कम 6.25 इंच जरूर चाहिए। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो ऊपर का टॉप पॉइंट है बाजू का, यहाँ पर एल स्केल को आपने एकदम किनारे पर इस तरह से रखते हुए ऊपर की तरफ सबसे पहले एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये लगाना है। उसके बाद हमारा जो लंबाई है उसका निशान लगेगा, लंबाई है हमारा 24.25 इंच, तो 24.25 इंच के ऊपर आपने इस तरह से पकड़ लेना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 24.25 इंच के ऊपर, और यहां से हमने 1.5 इंच कम कर देना है, ठीक है, यानी कि 22.25 इंच के ऊपर हमारा ये निशान जो है इस तरह से बैठेगा। और आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, 2 इंच नीचे की तरफ करके यहां पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखो ये 24.25 इंच आ गया, ऊपर का भी 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा कफ को जुड़ने के साथ, नीचे भी सिलाई का मार्जिन निकलने के बाद हमारा ये बाजू जो है 24.25 इंच रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये जो डाउन है यहां से ये कितना होगा, तो ये यहां से हमारा ये जो डाउन है ये आएगा हमारा 4.25 इंच के ऊपर, क्लियर। ये फॉर्मूले के हिसाब से होता है, अगर आपको इन सभी फॉर्मूलों के बारे में जानना है और बारीकी से इन चीजों को देख रहे हैं और आगे से सीखना भी चाहते हैं तो मेरे भाई आपको जो है वो रेगुलर बने रहना है मेरे साथ, तो मैं किसी ना किसी दिन किसी ना किसी वीडियो में बताता जाऊंगा। और बहुत जल्द मैं अपना एक शॉर्ट कोर्स जो है वो भी लॉन्च कर रहा हूं, तो आप उसको भी खरीद सकते हैं। एनीवे, अब हमारा यहां पर 11.25 इंच के ऊपर इस तरह से क्रॉस ये निशान आ जाएगा, और इसी निशान के ऊपर हमने इस तरह से आपका लाइन जो है एक लगा देना है। उसके बाद हमारा ये जो पॉइंट है डाउनवर्ड, जो नीचे हमारा बाजू का ये वाला जो निशान होता है ये कभी भी 90 डिग्री के ऊपर नहीं लगता है, ये अप्रोक्सीमेटली यहां से 1/2 इंच या 3 सूत नीचे की तरफ निशान लगा के एल स्केल को आपने इस तरह से घुमाना है, और आपने इस तरह से इस लाइन को हमेशा तिरछा ही लगाना है, यही इसका नेचर है। जिस तरह से पैंट की बॉटम को भी हम नीचे से डाउन करते हैं ना, तिरछा लगाते हैं, ठीक उसी तरह से इसको भी हमने उसी तरह लगाना है, क्लियर। इसके बाद हमारा ये जो निशान है ये आ जाएगा हमारा 6 इंच के ऊपर। इसका एक और तरीका है चेक करने का कि ये निशान कहां बैठेगा, वो मैं जरूर करता हूं, ये तो मैंने आपको एक फॉर्मूले के हिसाब से बताया, अब इसको चेक कैसे करेंगे वो देखिए। ये जो हमारा ये जो फोल्ड होता है, इस फोल्ड को आपने पकड़ के इन फोल्ड के ऊपर इस तरह से रख देना है, ये देखो ये जितना हमारा यहाँ पर 11.25 इंच का पॉइंट है और ये हमारा 6 इंच का पॉइंट है। अब हमने जो उस तरफ हमारा लाइन है उसको चेक करना है, तो ये लाइन जो है हमारा यहां पर आ रहा है, यानी कि ये हल्का सा अभी और नीचे जाएगा, तो मैं जो है कटिंग के टाइम पे इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ ले लूंगा, ये करने जरूरी होते हैं। इससे क्या है कि बाजू जो है जब इस तरह से बाजू आगे की जाती है ना, कुर्ता पहना या शर्ट पहना, तो कई बार बाजू ऐसे करनी पड़ती है या ऊपर करेंगे हम बाजू उठाएंगे तो ये खिंचेगा नहीं, क्लियर। अब यहां से हमारा ये जो शेप पट्टी है इसी की हेल्प के साथ इस तरह से शेप जो है ये बना दी जाएगी, क्योंकि जो शेप पट्टी है उसके साथ बाजू का जो फिटिंग है उसका मजा ही कुछ अपना है। अब यहां से हमारा ये जो टोटल लाइन है, इस टोटल लाइन को हमने इस तरह से चेक करना है, ये हमारा 11.25 का आधा हो गया हमारा 5.5 से 1 सूत कम, और यहां से आ गया हमारा 2.75 से हल्का सा कम इस तरह से आ गया, और यहां पर भी हमारा इस तरह से पॉइंट जो है ये मार्क हो गया, यानी कि इस पूरी लाइन को हमने 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया। अंदाजे से इस तरह से आप इस तरह से गुलाई की जो बाजू की या कुर्ते की कटिंग जो है वो इस तरह से ना करें, उससे क्या है कि आपके फ्रंट या बैक के ऊपर पहनने के बाद जो
क्लाइंट है उसके फ्रंट और बैक पे झोल आ सकता है और आता भी होगा अभी तक, ठीक है। और ये अगर इस तरह से नहीं कटिंग करते हैं तो, अगर वो कई बार क्या है कि जब आप इस तरह से अंदाजे से करते हैं तो कुछ लोगों के बैठ जाती है, कईयों के नहीं बैठती, तो बारीकी से इस चीज को समझना। यहां से हमने 0.25 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, यहां से हमने 0.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, और यहां से केवल और केवल 2 सूत इस तरह से आपने निशान लगाना है, और किनारे से इस तरह से आपने कटिंग करते हुए इन निशान की तरफ इस तरह से भागना है आपने। जैसे ही आप इन निशान की तरफ कटिंग करते हुए बढ़ेंगे तो ये जो आपका शेप है ये ऑटोमेटिकली जो है ये बन जाएगा। अब यहां पे इस तरह से नॉच यानी कि सेंटर पॉइंट दोनों बाजुओं के ऊपर आ गया, और नीचे घेरे का भी हमारा ये वाला जो कटिंग है इस तरह से नॉच फिनिश कर दिया, और ये जो पॉइंट है हमारा जो शेप पट्टी के साथ मैंने अभी जो निशान लगाया है इस तरह से कटिंग हो जाएगा, क्लियर। अब हमारा ये जो बाजू है इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया जाएगा। फोल्ड करने के बाद मैं इस तरफ घुमा लेता हूं क्योंकि मेरा राइट हैंड थोड़ा इजी रहता है, मुझे कंफर्ट रहता है गोलाई बनाने में। अब हमारा यहां से क्योंकि हमने अभी फ्रंट का कटिंग करना है ना बाजू का, जो ये पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट, यहां से हमने 1.25 इंच नीचे एक निशान लगाना है, और ये जो सेंटर पॉइंट है यहां से केवल और केवल 1.5 सूत या 2 सूत आगे जाना है, और यहां से हमने अप्रोक्सीमेटली 2 सूत आगे की तरफ एक निशान लगाना है। और ठीक उसी तरह इन दो लेयर के बीच में, ये देखो ये टोटल 4 लेयर हैं क्योंकि दोनों बाजू इकट्ठी काट रहा हूं, तो ये 2 लेयर नीचे हैं 2 लेयर ऊपर हैं, इनके बीच इस तरह से आपने सीजर को रखते हुए किनारे से यूं करके कटिंग करना है। गोलाई में हल्का सा आप इस तरह से बढ़ेंगे जो है, ये कटिंग करते जाएं इन निशान की तरफ आपने कटिंग करना है। ऑटोमेटिकली जो है हमारा ये जो फ्रंट का शेप है ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बैक है, बैक पर अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, जैसे उसको फिटिंग में चाहिए ना, ये फिटिंग और सेमी फिट यानी कि मीडियम फिट, इन दोनों में ये वाला काम करना है, लूज फिट में ये वाला काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये यहां से 3 सूत पकड़ते हुए धीरे धीरे इस तरह से गोलाई बनाना है, हल्का सा कम करते 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 इस तरह से इसको फिनिश कर देना है, ये पार्ट आपने निकाल देना है। उसके बाद मैं आपको जो बाजू है इसको खोलकर भी जरूर चेक कराऊंगा क्योंकि मन में डाउट कोई ना रहे आप लोगों के। ये रहा हमारा बाजू, ठीक है। ये जो है ये फ्रंट पार्ट आ गया और ये बैक पार्ट आ गया। इस तरह से अगर आप बाजू की कटिंग करेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। तो ठीक है, फिर जब आपने ये पूरा वीडियो देखा है और इस वीडियो के माध्यम से जो है अगर कुछ सीखने को मिला है मेरे भाई, तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो जो है ये मैं बनाता रहूंगा आप लोगों की खिदमत में। और बेल को दबाना मत भूलना, उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। तो कुछ सीखने का अगर मंशा आपके मन में है तो मेरे भाई फिर एक जगह बैठ जाओ, किसी के पास भी एक जगह बैठ जाओ, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा 100% दावा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत।